बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सिलसिले गुफ्तगु में फरमाया कि आजकल के लोग तरह तरह के ढोंग बनाते हैं, इम्तियाजी शान का अहतमाम रखते हैं, लेकिन क्या करें, हमारी नज़रों में नहीं समाती। सच तो यह है कि हमको तो हमारे बुजुर्ग बिगाड़ गए, किस तरह की सादा ज़िंदगी गुजार गए, बस उनका जो रंग ढंग देखा वही पसंद है। आजकल के ढोंग और बनावटें पसंद नहीं। हमारे बुजुर्गों में एक ख़ास बात यह थी कि खुददारी का नामो निशान न था, मिले जुले हंसते बोलते रहते थे, मगर दिल में एक इश्क का अंगारा दहक रहा था। बकौल नवाब शियुफ्ता, तो अफसुरदा दिल जाहिद यके दरबज में रिंदा शो, के बीनी खंदा बर लबहा व आतिश पारा दर दिलहा। मैंने इस हंसने पर एक मिसाल तजवीज़ की है कि जैसे तवा हंसता है मगर हाथ लगाकर कोई देखे पता चल जाएगा कि कैसे हंसता है। पहले लकड़ी के चूल्हों पर रोटियां पकाते थे, तवा जो होता था उसके नीचे बहुत सी धुआं जमा हो जाने की वजह से वो भी जलने लगता था, चिंगारियां उस पर भरी हुई होती थी। तवे को उठा के खड़ा करते तो उसका पिछला हिस्सा जगमगाता रहता था चिंगारियों से, उसको तवे का हंसना कहते थे कि तवा हंस रहा है, ये कहते थे। हजरत मिसाल दे रहे हैं कि जैसे तवे का हंसना है कि वो तो हंस रहा है, ये देखने वाले को दिख रहा है, लेकिन कोई हाथ तो लगा के देखे उसको कि उसका क्या हाल है। मैंने इस हंसने पर एक मिसाल तजवीज़ की है कि जैसे तवा हंसता है मगर हाथ लगा कर कोई देखे पता चल जाएगा कि कैसे हंसता है। उनके कल्ब में खुदा की मोहब्बत की एक आग भरी थी, हर वक्त खशियत का गलबा रहता था, शब रोज़ आखिरत की फ़िक्र लगी रहती थी। ये बात इस दर्जे की किसी जमात के बुज़ुर्गों में नहीं देखी, यानी और बुज़ुर्गों में भी हैं ये सिफ़ात, लेकिन इस दर्जे की जितनी अपने अकाबिर में हज़रत ने देखी थी, ये बात इस दर्जे की किसी जमात के बुज़ुर्गों में नहीं देखी। हज़रत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत के इसी मलफूज को अपने अल्फाज और अंदाज में बयान किया है कि हंसी भी है गो लबों पे हर दम, होंठों पर मुस्कुराहट है, खुशी भी है गो लबों पे हर दम, चश्म भी मेरी तर नहीं है, मगर जो पहलू को देखता हूँ पे हम तो दिल नहीं है जिगर नहीं है। ये कैफियत होती अंदर की, बातिन जो है वह खशियत इलाही की आग में जलकर भस्म हो गया है, और मुसलमानों के हुकूक़ अदा करने के वास्ते सबके साथ हंस बोल करके हैं, और किसी को भी पता नहीं चलने देते कि अंदर की क्या कैफियत। बुज़ुर्गों से सुना है कि सुबह की नमाज के बाद 41 मरतबा अलहम शरीफ पढ़कर पानी पर दम करके मरीज़ को पिला दिया जाए तो नफ़े की बहुत उम्मीद है। सूरत शिफा है, बहुत फ़ायदा है इसके अंदर। बहुत से आमाल लोग जो हैं ऐसा मिजाज बन जाता है, जैसे पूछा गया कि सबसे पसंदीदा कौन सा अमल है, तो उन्हें बताया गया कि ला इलाहा इल्लल्लाह का कहना। तो इसके अलावा वो हर इंसान का मिजाज ऐसा ही होता है। से आला दर्जे की बात बताई जाए, अगर वो आम है तो फिर वो इसके अलावा कुछ ख़ास पूछता है, कुछ ख़ास। हालांकि जो है
वही इतना ख़ास होता है कि ख़ास होने की वजह से आम हो गया। लेकिन फिर आदमी ये समझता है ये तो सभी पढ़ते हैं, कोई ख़ास वजीफ़ा। ऐसे अभी जो भी सालिकीन आते हैं उनको बताया जाए कर्बे कल में तैयबा पढ़ लो ये वो, इसके अलावा मज़ीद और कुछ, और कुछ ये पूछते हैं। वो इसलिए पूछते हैं कि जो चीज़ हर ख़ास व आम के पास है, आदमी समझता है कि भाई ये तो सबके लिए है, हमारा कोई इम्तियाज खसूसी होना चाहिए, हमारे लिए कोई अलहदा वजीफ़ा होना चाहिए। ऐसा अक्सर तो नादानी से ही कहते फितरी तौर पर, लेकिन अगर खुदा न खास्ता बाज लोग जो हैं वो कसदन भी ऐसा सोचते हैं तो ये तो बड़ी महरूमी की बात है। नादानी से ऐसा सोचते हैं वो अलग बात है, लोगों को इल्म नहीं, इसकी अजमत सूरह फातिहा की मालूम नहीं होने से ये समझते हैं कि भाई सूरह फातिहा तो नमाज में भी पढ़ते हैं, हर वक्त पढ़ते ही हैं, एक आम चीज़ है, मैं कोई ख़ास वजीफ़ा चाह रहा हूँ, ऐसे समझते हैं। बड़ी बरकत सूरह फातिहा में पानी पर दम कर लें, खुद दम कर लें, खुद पढ़ के पी लें, क्योंकि अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा मिल जाए और नेक होने के वास्ते अपने से नेक होना काफ़ी है, बस उससे पढ़वा ले ख़त्म, तो इसमें और नेक फाली हो सकती है कि भाई एक तो कलामुल्लाह की बरकत और अल्लाह के किसी नेक बंदे की ज़बान की बरकत, दोनों चीज़ें हो गई माशाल्लाह, ऐसे तो नेक फाली हो जा सकती है इसके अंदर। बाकी है कि खुद कलामुल्लाह के होते किस चीज़ की कमी है। एक साहब ने अर्ज़ किया कि हज़रत मैं एक जगह मुदर्रिस हूँ, बाज़ लोग औकात तालीम में पास आकर बैठ जाते हैं, उनसे बातें करने में जो तलबा का हर्ज होता है क्या यह खयानत होगी? फरमाया कि बेशक खयानत है, उन लोगों को मना कर देना चाहिए कि यह काम का वक्त है। अर्ज़ किया जो इस वक्त तक हो चुका या आइंदा इत्तेफाकन ऐसा फिर हो जावे तो क्या इसका कोई बदल हो सकता है? फरमाया सिवाय तौबा के और कोई बदल नहीं। अर्ज़ किया कि खारिज औकात में काम कर दिया जाए, फरमाया कि यह भी इसका बदल नहीं, फ़र्ज़ों के कायम मकाम नफलें थोड़ा ही हो सकती हैं, काम के वक्त काम करना चाहिए और लोगों को मना कर देना चाहिए। बहुत से लोग यही तावील कर लेते हैं कि भाई अगर हम 10 मिनट देर से आए थे तो 20 मिनट और बैठ गए दर्जे में, ऐसे तावील कर लेते हैं। भाई वो 20 मिनट जो आप बैठ गए वो अपने फरीजे के बाद का वक्त है, इससे तलाफ़ी तो नहीं हो जाएगी। और अगर काम की तलाफ़ी भी कर ली तो काम की तलाफ़ी कर ली लेकिन मामले की तलाफ़ी तो नहीं हो जाएगी इससे। ऐसे बाद लोग ये हैं कि भाई एक आध का सबक रह गया था, देर तक बैठ के सुन लिया तो काम तो पूरा कर लिया, लेकिन औकात का भी वह मुआहदा किया है, इसलिए औकात की तलाफ़ी कैसे होगी? सिवाय इसके कि इस्तग़फ़ार करे, तौबा करे, और कोई सूरत नहीं। हज़रत मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह, मोहतमिम मज़ाहिर उलूम सहारनपुर, उनके बारे में शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि अगर वो बड़े आदमी थे, मशहूर आदमी थे, जब तक कोई ना कोई मिलने आता ही रहता था उनसे, तो अगर उनके दफ्तर में कोई आके उनसे मुलाकात करता, उससे बातचीत होती, तो जाने के बाद घड़ी देख के टाइम नोट कर लेते थे कितनी देर ये शख्स बात किया, अगर मदरसे के मफाद में नहीं है तो नोट कर लेते थे। शख्सी तौर पर कोई मिलने आ गया, कोई मुलाकात के लिए आ गया तो उसको नोट करते थे। महीने के ख़त्म पर अगर वो 2 घंटे से ज़ायद होता तो आधे दिन की, वो आधे दिन से ज़ायद होता तो पूरे दिन की तनख्वाह कटा देते थे कि ये वक्त हमारा वो हमारे ज़ाती इस्तेमाल में चला गया, मदरसे के मसरफ में नहीं गया, मदरसे के इस्तेमाल में नहीं गया। तो इस तरह लिहाज फरमाया करते थे। वो अकाबिर उन्हीं अकाबिर के हम असागिर हैं, इसलिए अपने बड़ों को सामने रखने से हमारे अंदर भी इसका हौसला पैदा हो सकता है, दयानत अमानत पैदा हो सकती है। अगर हम ये ना कर सकें तो कम से कम अपने औकात का ज़िया तो ना करें, सही तरीके से उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये भी बड़ी दीन और दयानत की बात है।
हज़रत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने वैलुल्लिल मुतफ़िफ़ीन की जो तफसीर लिखी है वो सबको पढ़ना चाहिए, ख़ास तौर से दीन के खिदमत गुजारों को ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। इसमें तदफीफ़ के बारे में हज़रत ने सराहत फरमा दी है कि सिर्फ नापने तोलने में डंडी मारना ही तदफीफ़ नहीं है, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों में कोताही भी तदफीफ़ है, और हशर दोनों का एक ही है। इसका भी वही अंजाम है जो इतनी सख्त वईद नाप तोल में डंडी मारने वालों की आई है, इसमें भी वही वईद है। हज़रत मौलाना जमील अहमद साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के ख़ास लोगों में से थे, मज़ाहिर उलूम सहारनपुर के मुदर्रिस थे, उनको हजरत ने इजाज़त व खिलाफत भी दे रखी थी, लेकिन जब ये मालूम हुआ कि उनको मदरसे में इस्तीफ़ा देना था मगर उन्होंने बजाय शाबान में देने के शव्वाल में दिया ताकि शाबान की तनख्वाह मिल जाए, छुट्टियों की तनख्वाह मिल जाए, तो ये तो एक गुना मदरसे के साथ खयानत थी। हज़रत ने इस वजह से खिलाफत को सल्ब फरमा लिया हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह कि ऐसा क्यों किया, जब आपका इरादा शाबान में बन गया था तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था, सिर्फ छुट्टियों की तनख्वाह पाने के लिए ऐसी फरेब में क्यों रखा, जिम्मेदारों को धोखे में क्यों रखा। तो नज़र थी बड़ों की, वो दुनिया को नहीं देखते थे, आखिरत में क्या होगा इसको देखते थे, आखिरत में क्या होगा इसको, अगर वो पहले बता देते तो इसमें मदरसे का मफाद था कि वो दूसरा इंतज़ाम करते, दूसरे आदमी को ये करते, लेकिन उन्होंने अपनी मसलहत देखी कि भाई तनख्वाह अगर पहले देंगे तो छुट्टियों की तनख्वाह नहीं मिलेगी, बस ये देख लिया। हुब दुनिया, इस हुब दुनिया को हज़रत ने जो है इसी तरीके से, एक और खलीफा थे हज़रत के, हज़रत का तो इंतकाल हो गया था हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का, लेकिन हज़रत ने एक उसूल ज़ाब्ता बना दिया था कि जो लोग अगर ऐसी चीज़ खुलफा में या उनके हालात बदल जाएं तो फिर जो दूसरे जो मेरे खुलफा हैं वो ही सब मशवरा करके मेरी तरफ से सलब खिलाफत कर लें, ये भी हज़रत ने एक ज़ाब्ता बना दिया था। चुनाचे ऐसा भी हुआ कि हज़रत के बाद एक ख़ानदानी मीरास के जायदाद के मसले में एक बड़े आलिम दीन भी थे और हज़रत के खलीफा भी थे, उनकी गलती सामने आई तो अजल्ला खुलफा का थाना भवन में इज्तिमा हुआ और उसकी तहकीक की गई। जब तहकीक हुई तो गलती सामने आई तो उन लोगों ने कहा भाई अब हुब दुनिया पैदा हो गई है, इसलिए अब इजाज़त खिलाफत ने वापस कर ली गई, तो खुलफा ने मिल के सल्ब कर ली उनकी इजाज़त व खिलाफत। बहरहाल हमारे अकाबिर के हाँ भाई मकसूद ये था, हर चीज़ से मकसूद अल्लाह ताला की रिज़ा, दीन की सरबलंदी, लतकून कलिमतुल्लाहि हियल उलिया। जिहाद भी जब इस नीयत के बग़ैर कबूल नहीं तो कौन सा अमल कबूल हो सकता है। फरमाया कि तरीक़ की हकीकत नामालूम होने की वजह से लोगों को गलतियों में इब्तिला है। कल एक साहब ने मुझसे सवाल किया था, बेचारे मरीज़ हैं, मैंने बेहमदिल्ला तसल्ली कर दी, बहुत खुश हुए। हासिल मेरे जवाब का यह था कि अगर हालत मर्ज़ में कल्ब के उस तरफ मशगूल होने की वजह से इस्तेहज़ार मौताद में कमी हो जाए तो उस वक्त जिस कदर इस्तेहज़ार है वही कामिल है। यानी बेचारे जो बीमार थे उनको ये इश्तबाह हो गया था, खलजान हो गया था कि ध्यान बीमारी की तरफ है, तकलीफ़ और कुल्फत की तरफ ध्यान लगा हुआ है, और जब सेहत अच्छी थी और जब आमाल व अशगाल में लगे रहते थे तो हक तआला शानहू की तरफ जो ध्यान का मेयार था वो बाकी नहीं रहा। मुताद से मुराद इस्तेहज़ार मुताद, यानी जिसकी आदत थी, जो सिलसिला चल रहा था कि अल्लाह ताला से जिस कदर तवज्जो और ताल्लुक था, आम दिनों में रहता था, बीमारी के दिनों में बीमारी की वजह से वो उस दर्जे का नहीं रहा, तो जाहिर है कि वो जो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि
गर्ज बावे दिल खिलाले कम्बुवत बर दिले सालिक हजारा गम्बुवत। तो ये जो सूरत हाल होती है वो बेचारे के ऊपर पैदा हो गई, ये तरीक से नावाकिफियत की वजह से थी। तरीक के वो महक्किक नहीं थे, आम सालिकीन में से थे, तो बहुत बेचैन थे कि जो है जवाल हो रहा है। यानी ये बीमारी अल्लाह ताला से बौद का सबब बन रही है, या ताल्लुक माल्लाह में इज़्मिहलाल और कमज़ोरी का सबब बन रही है। तो ये एक परेशानी और एक बीमारी और ऊपर से ये परेशानी उनको परेशान करने लगी। तो हज़रत फरमा रहे हैं कि मैंने उनको ये बात समझा दी थी कि अगर हालत मर्ज में कल्ब के उस तरफ मशगूल होने की वजह से, यानी अपनी बीमारी, अपनी दवा, इलाज, तकलीफ़ की तरफ ध्यान के मशगूल होने की वजह से इस्तेहज़ार मोताद में कमी हो जाए, तो इस वक्त जिस कदर इस्तेहज़ार है वही कामिल है। थोड़ा ही है लेकिन वही कामिल है, वही इस्तेहज़ार कामिल है। उसको यूं समझ लिया जाए कि जैसे मर्ज़ की वजह से कोई शख्स खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता है, बैठ कर पढ़ता है, तो उसकी वही नमाज जो बैठ कर पढ़ी है कामिल है, बीमार के हक़ में तो कामिल है। हासिल यह है कि जितना इस वक्त मामूर भी ही है वही कामिल है, नाकिस नहीं है। बस अल्लाह की तरफ से मस्तताता है, बस जितनी ताकत है भाई उतना करूँ। इस वक्त तकलीफ़ की तरफ ध्यान जाना फितरी अम्र है, अल्लाह की तरफ से ध्यान घट जाए तो फितरतन हुआ है। और ये इंसान के भी साथ में नहीं है कि वह तकलीफ़ की तरफ से ध्यान हटा दे, अपनी परेशानी की तरफ से ध्यान हटा दे, ये उसके हाथ में नहीं है। तो इस वजह से इस वक्त जितना अल्लाह मामूर भी ही इतना ही है, जितना कर रहे हैं वही कामिल है, नाकिस कुछ भी नहीं है। तो फिर हमें इस तफावत को देखने की कौन सी ज़रूरत है, क्यों देखें हम इस तफावत को? एक शख्स है कि वह एक शख्स को एक रुपये की एक रुपये की सेर मिठाई देता है और एक दूसरे शख्स को आठ आने में एक सेर मिठाई देता है। तो इस आठ आने वाले को कौन सी ज़रूरत है कि इस पर अफसोस करे कि मुझसे कम पैसे क्यों लिया? ये कौन करे भाई, आपको आठ आने में दे दिया हालांकि कीमत एक रुपया है, एक रुपये में लेता आधे रुपये में दे दिया, तो अफसोस की क्या बात है इसके अंदर कि भाई पूरा रुपया क्यों नहीं लिया? तो इसी तरह अगर अल्लाह ताला बीमार से, मशगूल से, परेशान हाल से कम पे भी राज़ी हो जाएं, कम ताल्लुक पे भी राज़ी हो जाएं, तो उसको क्या परेशानी है भाई? उसको तो और खुश होना चाहिए कि अपना काम तो आठ आने में निकल गया है, बल्कि खुश होने का मौका है कि थोड़ा लिया और ज़्यादा दिया। और इस सूरत में जो कमी है वो कमी हिस्सन है, हुक्मन व मानन नहीं। गर्ज हर हाल में जबकि हत्तल वसा इम्तिसाल कर लिया, बंदे को खुदा के साथ नेक गुमान रखना चाहिए। यही वो तहकीकात हैं हजरत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह की, जिसने उनको मुजद्दिद के मकाम तक पहुंचाया और जिसकी लोगों को दूसरी जगह पर मिसाल नहीं मिली। और ऐसी तालीम और इस कदर जो है हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को जो तयक्कुस था अहकाम शरीयत में, अल्लाह ताला के मुतालबात के समझने में और उसको पूरा करने के सिलसिले में, तो ये खुदादाद सलाहियत थी जो अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाई हुई थी। फरमाया कि हक ताला का मुराकबा जलाल का तो नाफे है ही, यानी अल्लाह ताला का जो अल्लाह ताला की शान जलाली है इसका मुराकबा तो नाफे है ही, मगर जमाल का मुराकबा उससे ज़्यादा नाफे है। खुसूसन ज़ुआफ़ा को जमाल का मुराकबा ज़्यादा चाहिए। बाज़ लोग बहुत कम हिम्मत होते हैं और उनकी तबीयत में खशियत का गलबा होता है, इसलिए उन बंदों को चाहिए कि वो अल्लाह ताला के सिफत जमाल का, सिफत रहमत का, सिफत शफ़क़त का, अफ़ व दरगुज़र की सिफ़ात का, ये जमाल की सिफ़ात हैं, ये जमाल की सिफ़ात का ज़्यादा इस्तेहज़ार करें। और इंतकाम का और कुव्वत का और शदीदुल इक़ाब होने का और ज़ू इंतकाम होने, ये सब भी अल्लाह की सिफ़तें हैं, ये भी उसकी शान है, लेकिन ये शान जलाली है। जलाली शान का ज़्यादा मुराकबा करेगा तो खशियत और खौफ की वजह से
आदमी कमजोर पड़ जाएगा, मायूसी की तरफ जाने लगेगा। इसलिए जमाल का मुराकबा खुसूसन ज़ुआफ़ा को, यानी जिनके दिल बहुत कमज़ोर हैं, उन लोगों को इसका ज़्यादा करना चाहिए। इससे मोहब्बत बढ़कर बहुत जल्द कामयाबी होती है। पीछे से एक आदमी बीच में आ जाओ, कोई भी आ जाओ बीच में, सामने आगे से बैठना शुरू करो। अब जो उलमा आ रहे हैं वो पीछे ही बैठ जा रहे हैं, तो ये जगह में बैठ जाओ। बहुत जगह है, बड़ा हाल है ये, लेकिन ख़ुद से जब वक्त हो जाए, मजलिस शुरू हो जाए, अब सामने भी जगह नहीं रही तो बीच वाली जगह को पुर कर लेना चाहिए, ताकि बाद में आने वालों को बाहर ना बैठना पड़े। इसकी सख्त ज़रूरत है। मायूसी और हिरास तो कभी इस तरीक में, मायूसी और हिरास को तो कभी इस तरीक में राह ही ना दिया जाए, नहीं रास्ता ही ना दिया जाए इसके अंदर। मगर ये उस वक्त होता है जबकि अहले फ़न के हाथ में हाथ हो। ऐसे साहब फ़न को इस्तेलाह में शेख कामिल भी कहते हैं। मुराद इससे माहिर फ़न ही है कि तालिब की कोई भी हालत हो, उसको काम में लगाए रखे, उसको समझा दे कि वो चला चले, इधर उधर ना देखे। जाहिर है कि जिन लोगों को फ़न में महारत नहीं होती, वो लोग मायूस कर देते हैं आदमी को, और वो बेचारा फिर रास्ता ही छोड़ देता है। बुज़ुर्गों में मुवाजना करना बेकार काम है। एक साहब ने अर्ज़ किया कि हजरत, एक साहब हैं नहायत काबिल हैं, पहले वो बिल्कुल जेंटलमैन थे, अब हजरत के वाज देखते हैं बिल्कुल हालत बदल गई। एक साहब ने उनसे कहा कि हिंदुस्तान में हजरत से बढ़कर कोई नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, बल्कि तमाम दुनिया में हजरत मौलाना से बढ़कर कोई नहीं। फरमाया कि उन्होंने दुनिया देखी कहाँ है, जो उनका यह कहना सही माना जाए। ये तो ऐसी बात है कि जैसे हमारी एक ताई साहबा थी, उन्होंने किसी बात पर भाई अकबर अली मरहूम से, हजरत के भाई से कहा कि दुनिया में यूं ही होता है। भाई मरहूम ने कहा कि तुमको दुनिया की क्या खबर, मेरा घर तुम्हारा घर है, बस ये तुम्हारी दुनिया है, तुमने दुनिया देखी कहाँ है, इतना देखा जो अपने घर में देखा बस। इसी तरह इन बेचारों ने दुनिया देखी कहाँ है, दूसरे इन बेकार बातों में रखा क्या है कि हमारे हजरत कितने बड़े हैं, इसको तय करने में क्या रखा हुआ है, और ना तय हो तो क्या हर्ज है इसके अंदर। बेकार, इन बेकार बातों में क्या रखा है। काम की बातें करना चाहिए, काम में लगना चाहिए। ये मुसल्लम है कि वाज देखकर अपनी इस्लाह में लगे हुए हैं, मगर ये बातें बेकार हैं। कोई ऐसा दुनिया में हो या ना हो, उनको इससे क्या बहस है। भाई अपना नफ़ा हो रहा है तो अल्लाह का शुक्र है, नफ़ा हो रहा है, बस फ़ायदा ये है। ये मुआजना करने की क्या ज़रूरत है। आम तौर से जब आदमी की खुद तरबियत नहीं होती, और तो वो इस किस्म के काम करता रहता है। ये ठीक है कि भाई आपको किसी से मोहब्बत हो गई है, एतमाद हो गया है, एतकाद हो गया है, अपने हद तक ठीक है, और ये नफ़ा भी है। हज़रत हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि शेख की मोहब्बत तरीक की शाह कलीद है। शाह कलीद यानी मास्टर की है, इससे जल्दी तरक्की करेंगे। ये नहीं होता तो फिर सफ़र बहुत टेढ़ा चलता है, और बहुत मर्तबा बदगुमानियों की वजह से सफ़र ख़त्म भी हो जाता है, नहीं चल पाता, नहीं तरक्की कर पाता आदमी इस रास्ते के अंदर। तो वो तो ठीक है अपनी जगह अपने हक़ में, लेकिन ये तकाबुल तफाजुल क्या है। हज़रत हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो चारों सिलसिलों में बैत करना शुरू किया था, इसी मरस को देखकर कि लोग बैठ के बस अपना टाइम पास कर रहे हैं, भाई नक्शबंदिया में ज़्यादा वो है कि चिश्तिया में ज़्यादा है कि कादरिया ऐसी है और सरवदिया, और जिसको जो 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 जिस लाइन का है वो उसके कमालात बता रहा है और उसमें तफाजुल कर रहा है, तकाबुल कर रहा है। इससे क्या फ़ायदा है। इससे एक सिलसिले वाला दूसरे सिलसिले के मशायख व काबिर की हिजो करता है, तहकीर तक पहुंच जाता है, यानी जो ख़ुद उसके हक़ में सम में कातिल है। और बसा औक़ात जो है इसमें बात बढ़ जाती है। तो हज़रत अलैहिस्सलाम ने भी तो मना फरमा दिया। हदीस पाक में है कि एक सहाबी ने बाज़ार में किसी यहूदी ने कसम खाई कि उस ज़ात की कसम जिसने
मूसा को सारे आलम पर मुंतखब किया था, सारे आलम पर फजीलत दी थी मूसा को। तो वो यहूदी था, यकीनन उसके दिल में हजरत मूसा ही की ऐसी अजमत होगी, तो उसने ऐसी कसम खाई। मुसलमान ने एक थप्पड़ मारा और कहा कि उस जात की कसम जिसने मोहम्मद को सारे आलम पर फजीलत दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो भाई देखो, मुसलमान ने जो कहा था सही तो वही था, और यहूदी ने जो कहा था वो अगरचे हकीकत के एतबार से सही नहीं था, लेकिन मुसलमान के इस अमल ने एक पैगंबर की तनकीस का माहौल बनाया, एक पैगंबर के इसमें तनकीस और इस्तिख़फ़ाफ़ का पहलू निकल आया, और दोनों जो है वो मार खाया था। इसलिए मुकदमा लाया हुजूर अलैहिस्सलाम के पास, आपने दोनों की बात सुनी। तो बात तो मुसलमान की ठीक थी, लेकिन मौका गलत था, अंदाज सही नहीं था। हज़रत अलैहिस्सलाम ने तंबीह की, और उस तंबीह की खातिर यूँ फरमाया कि भाई मुझको मूसा पर फजीलत मत दो, जब क़यामत कायम होगी तो सबसे पहले जो है जिनको कपड़े पहनाए जाएंगे वो मूसा होंगे। अब वो पहले से पहने हुए हैं या पहनाए गए हैं, बहरहाल ये फजीलत उनको, तो एक जुज़वी फजीलत उस वक्त बयान करके हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनकी तनकीस के इस अमल की तंबीह फरमाई, इसको पसंद नहीं फरमाया। हालांकि ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जुज़वी फजीलत थी। हज़रत अलैहिस्सलाम को तो मिन हैसुल कुल फजीलत हासिल है तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम पर, लेकिन किसी किसी नबी की कोई खसूसियत होकर वो उनकी जुज़वी फजीलत हो सकती। हर नबी को एक अलग शान अल्लाह ने कोई दी है, वह उनकी जुज़वी फजीलत है। तो बहरहाल हज़रत अलैहिस्सलाम ने ख़ुद अपने तर्ज अमल से बता दिया, और यही मुखलिस मशाइख और अल्लाह के नेक बंदों का मामला रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सालिक ने, जो आलिम भी हैं हाफिज़ भी हैं माशाल्लाह, तो पहले वो हजरत वाला हमारे शेख मोहतरम से वाबस्ता थे, उनके इंतकाल के बाद यहाँ आते जाते रहते हैं, अहवाल से इत्तला देते, मशवरे करते। हजरत ने हयात में भी फरमाया था उनसे कि वहाँ मशवरा कर लिया करो, तो वो कर लिया करते थे बेचारे। उन्होंने बड़े खल्क और तकलीफ़ और रंज और दिल शिकस्तगी के साथ ये लिख करके दिया कि जो है बाज़ जगह पर जाता हूँ अहले इल्म के पास, तो वो अहले इल्म जो है मुझे ताना देते हैं कि वहाँ क्यों जाते हो, फ़लाँ के पास जाना चाहिए, फ़लाँ की मजलिस तो मजलिस है, फ़लाँ बुज़ुर्ग तो असल इस वक्त वही शेख हैं, कोई और कुछ भी नहीं है उनके सामने। ऐसी बातें मुझे करते रहते हैं और तरगीब देते रहते हैं मुझे, तो दिल दुखता है, तकलीफ़ होती है। तो मैंने कहा कि भाई दिल दुखता है, तकलीफ़ होती है, तो तकलीफ़ होने दो, लेकिन इसका कोई ऐसा जवाब मत दो जिससे किसी और की तनकीस हो, किसी और की तौहीन हो, ऐसा कोई जवाब मत दो। इस वक्त खामोशी अख्तियार कर लेना ही बेहतर है। हालांकि दो तीन उलमा मिल के बैठ के कहते हैं ऐसा, यानी अब कोई किसी को टोकता नहीं कि भाई ये बुरी बात है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। आदमी को जिससे मुनासिबत होती है, अगर उसको फ़ायदा उसी से हो जा रहा है तो फ़ायदा होना मकसद है, ये बड़ा होना और आला दर्जे का होना तो मकसद नहीं है, मकसद ये है कि फ़ायदा हो जाए। कभी आदमी जो है सुपरमार्केट से कोई चीज़ ले आता है, और कभी आदमी जो है घर के पास जो बकाल होता है उसी से ले लेता है, तो काम तो बन गया। ज़रूरत दूध की थी, मिल गया दूध, तो जहाँ से बन जाए काम किसी को, ये तकाबुल बहुत बुरी चीज़ है। अब फिर मैंने उनसे कहा कि देखो भाई, अगर इल्ज़ामी जवाब दिया जाए तो इल्ज़ामी जवाब ये होगा कि उनको ख़ुद कितना नफ़ा हुआ उनके तर्ज़ अमल से समझ में आ गया कि कितना नफ़ा हुआ भाई इस बुज़ुर्ग की सोहबत से। तो बुज़ुर्गों में कमी थोड़ी है, अपने अंदर कमी है, हम ही नहीं इसलाह करते, अपनी हालत नहीं बदलते, अपने आप को दुरुस्त नहीं करते, अपने हालात की दयानत के साथ इत्तला नहीं करते, तो फिर ये सब चीज़ें अमराज हमारे अंदर पैदा होते रहेंगे, या जो पहले से हैं वो बाकी रहेंगे, वो ख़त्म नहीं होंगे अमराज। तो इस वजह से भाई ऐसा कभी किसी को नहीं करना चाहिए। अपने बुज़ुर्ग हैं, सब अपने अकाबिर हैं, सबके साथ अगर किसी आदमी के बारे में मालूम है कि साहब इसका फ़लाँ से ताल्लुक़ है, तो हमें उसकी हिम्मत अफज़ाई करनी चाहिए कि माशाल्लाह बहुत अच्छा है, अल्लाह ताला आपको तरक्की दे,
और अल्लाह ताला अपने मकासद तक पहुँचाए। असल चीज़ तो रज़ा इलाही है और वसूल इल्लाह है। ये मिल जाए बस ये काफ़ी है आदमी को, इसी के लिए करना चाहिए। ये तकाबुल बहुत बुरी चीज़ है, ये मर्ज है। हज़रत हकीम कलीमुल्लाह साहब दामत बरकातुहुम की रोज़ाना असर के बाद रोज़ाना मजलिस होती है हज़रत की, थोड़ी देर 20-25 मिनट की, और रोज़ाना आ भी जाती है वो मजलिस। अभी चंद दिन पहले यही फरमा रहे थे कि इस वक्त ये मर्ज़ आम हो रहा है लोगों के अंदर के तकाबुल और तफाजुल में लगे हुए हैं, बस ये मर्ज़ आम हो रहा है। ये मर्ज़ है, इस मर्ज़ से अपने आप को दूर रखना चाहिए, महफूज रखना चाहिए। तो ये लोग कह रहे थे कि पूरी दुनिया में हज़रत की तरह कोई नहीं। तो हज़रत फरमा रहे हैं दुनिया ही देखी नहीं अभी, अब पूरी दुनिया का फ़ैसला कर दिया। भाई दुनिया देखी, कम से कम ये कहते कि हमारे शहर में नहीं है, ये कहते कि भाई हमारी मालूमात में नहीं है, ठीक है सारी दुनिया में। तो दुनिया ही नहीं देखी तो कैसे पता चला कि दुनिया भर में नहीं है? ऐसी फजूल बातें होती ना। ऐसी फजूल बात की बुनियाद पर हज़रत सुल्तान निज़ामुद्दीन औलिया रहिमहुल्लाह ने दो आदमियों को बैत करने से इनकार कर दिया था। नहीं नहीं, वो लोग बैत होने आए थे, हाउस पर वज़ू बना रहे थे, उनको पता नहीं कि वो हाउस पर हज़रत भी वज़ू बना रहे थे, वो जानते नहीं थे। हज़रत वज़ू बना रहे थे, ये लोग भी वज़ू बना रहे थे। एक ने कहा कि अपने गांव का हाउस भी इतना ही है, दूसरे ने कहा कि नहीं इससे छोटा है। तो हज़रत के पास जब वो मजलिस में आए और उन्होंने कहा कैसे आना हुआ है, तो आपसे बैत होने के लिए आए हैं, तो हज़रत ने फरमाया पहले गाँव जाओ और हौज़ नाप के आओ कि बड़ा है या बराबर है या छोटा है, उसके बाद आओ फिर यहाँ से। और फिर उसके बाद फरमाया कि जिन लोगों को अभी वज़ू के दरमियान में फजूल बातें करने और गैर ज़रूरी बातें करने की आदत पड़ी हुई है, वो क्या तरक्की करेंगे? कसरत मकाल तो कल्ब के जुल्मत का सबब है। बिला वजह क्यों बोला जाए और बेज़रूरत बात क्यों की जाए? क्योंकि बेज़रूरत से मासियत तक आदमी चला जाता है, इसलिए बातें गुनाह तक पहुंच जाती हैं, इससे बचने की ज़रूरत होती है। फरमाया कि बाज़ बातें सूरतन दीन होती हैं मगर हकीकत में दीन नहीं होती, नफसानियत से उनको दीन समझ बैठता है। मेरे मुताल्लिकीन में एक शख्स थे, लिखे पढ़े मौलवी, उनको इस मसले में अमलन गुलू हो गया था कि देहात में जुमा नहीं होता। मसला तो अहनाफ के मसलक के मुआफ़ सही है। जो उलमा उनके मकाबिल थे उन पर एहतजाज व मनाजरे के लिए उन्होंने एक फतवा मुरतब करके उस पर तमाम हिंदुस्तान के मशाहिर उलमा के जिनको वो जानते थे दस्तखत कराए, जहाँ जाते इस फतवा को साथ रखते, चुनाचे यहाँ पर भी उसको साथ लाए। मालूम हुआ कि 1.5-2 साल से इसी में मुनहमिक हैं। मैंने कहा कि आप इस अहतमाम को दीन समझ रहे होंगे, हालांकि ये खुली दुनियादारी है, इसलिए इसमें नफ्स की आमेजिश है। दूसरों की तो आपको फिक्र है मगर अपनी फिक्र नहीं कि नफसानियत से दीन तबाह हो रहा है। गर्ज मैंने खूब डांट डिपट की और उन सब कागजात को जलवाया। ऐसे ही औराक नाशी यानी नफ्स के हक में कहा गया है, जुमला औराक व कुतुब दरनार कुन सीना रा अजनूर हक गुलजार कुन। मुझसे तो नहीं कहा मगर और लोगों से कहा, यानी वो साहब ने मुझसे तो नहीं कहा मगर और लोगों से कहा कि जिस वक्त से वो ज़खीरा जला है कल्ब हल्का और साफ हो गया है। ऐसा मालूम होता है कि एक बड़ी अंधेरी और जुल्मत से मैं रोशनी में आ गया। अक्सर इल्मी फ़िक्ही मनाजिरों में गुलू का सबब नफसानियत ही है। फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद किसी पर अपनी तरफ से बार नहीं डालता। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि औरों पर तो क्या बोझ बनता, अपने घर वालों के साथ ऐसा बर्ताव रखता हूँ कि मेरी वजह से उन पर ज़र्रा बराबर गिरानी और बार न हो। तनख्वाहदार मुलाजिमों तक के साथ यही बर्ताव है मेरा, और ये मैं तहदीस बिन नेमत के तौर पर बयान करता हूँ। कहना तो नहीं चाहिए था मगर मसलहत तालीम से कहने में कुछ हर्ज भी नहीं, शायद और कोई इस पर अमल कर ले। मेरी वजह से घर वाले हों या तनख्वाहदार मुलाजिम हों या दीन का ताल्लुक़ रखने वाले हों या नौ वारिद आने वाले हों, बेहम्दिल्लाह ताला किसी को कोई गिरानी या बार मैं नहीं बनता, और मुसलमान का तो मज़हब ही यही होना चाहिए।
अल्लाह ताला तौफीक अमल नसीब फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुक। ये जो मलफूज़ात और बुज़ुर्गों के वाक़यात सुने सुनाए जाते हैं, इसको बस सुनने सुनाने तक महदूद नहीं रखना चाहिए। हम लोगों को अपना तर्ज़ अमल से तकाबुल करके देखना चाहिए। अगर इसके ख़िलाफ़ है तो अपने आप को ख़ुद ही दुरुस्त कर लेना चाहिए और इसके मुताबिक बना लेना चाहिए, अपनी इस्लाह कर लेना चाहिए, तो फिर इन मजालिस का फ़ायदा है और बहुत फ़ायदा है। सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुक।